बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल राना सरफराज नवाज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ICS का ये कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल है, ग्रुप जो है 8 है, 50 नंबर का ये प्रैक्टिकल है। सेक्शन 1 में हमारे पास 2 सवालात हैं, उनमें से आपने एक करना है। इस तरह ए जो है क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डेटाबेस विद फाइल नेम बुक, आपने एक बुक क्रिएट करनी है, बुक डेटाबेस क्रिएट करना है, जिसका ब्लैंक डेटाबेस आपने क्रिएट करना है बुक के नाम से। इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप MS SS को ओपन कर लें, फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और डेटाबेस का नाम टाइप करें और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। इस तरह जो है आप जो है डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसके 3 नंबर, दो क्रिएट टू टेबल्स, दो टेबल आपने बनाने हैं। उसको डिजाइन व्यू में आप बनाएं, सबसे पहले बुक का टेबल बनाएं, फिर बुक ऑथर का टेबल बनाएं। बुक के टेबल में बुक आईडी प्राइमरी की है और बुक ऑथर के टेबल में ऑथर नंबर और सर नेम जो है ये कंपोजिट प्राइमरी की है। इसके बाद आपने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन करनी है। इसके बाद आपने इसमें 3 रिकॉर्ड जो है वो इंटर करने हैं। इस तरह आपको ये सवाल कंप्लीट होगा। या आप नीचे वाला करेंगे, वो भी सिमिलरली है कि आप डेटाबेस क्रिएट करें स्टूडेंट के नाम से, 2 टेबल बनाएं एक स्टूडेंट मास्टर के नाम से जिसमें प्राइमरी की आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होगी, और एक दूसरा टेबल बनाएं स्टूडेंट डिटेल के नाम से, रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट जो है वो कंपोजिट प्राइमरी की है। फिर इनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करें। सी नंबर है, डी में है कि आपने 3 रिकॉर्ड जो है वो इंटर करने हैं। सेक्शन नंबर 2 में आ जाएं, ये आपके 2 प्रोग्राम दिए गए हैं, इन दोनों में से आपने एक प्रोग्राम करना है सी लैंग्वेज में, ठीक है जी। यानी आप जो है ए और बी इनपुट लें, फिर आपने फार्मूला लगाना है सी इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस 2 स्टैटिक ए स्टैटिक बी। इस तरह इसको आप कैलकुलेट करेंगे। राइट ए प्रोग्राम जो आपको ये फॉलोइंग शेप में लूप के जरिए आपने डिस्प्ले कराना है। फिर यार राइट ए प्रोग्राम इंटर 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड कंपेयर देम यूजिंग फंक्शन के जरिए से कंपेयर करना है। 1 रिटर्न करेंगे अगर नंबर ग्रेटर है बी से, वरना अदरवाइज 0 रिटर्न करेंगे। वैवा वो के नंबर 6 हैं और प्रैक्टिकल कॉपी के 3 हैं। ये ग्रुप नंबर 9 है, ये जो क्रिएट न्यू ब्लैंक डेटाबेस विद फाइल नेम एम्प्लॉयज MS SS, न्यू टेबल एंड ऐड फील्ड टू द टेबल एज फॉलोज। पहले आपने डेटाबेस बनाना है जिसका नाम है एम्प्लॉयज, फिर आप जो है उसको डिजाइन व्यू में ये फॉलोइंग फील्ड टाइप करेंगे। नंबर 3 पे प्राइमरी की बनाएंगे आप एम्प्लॉय आईडी को, और डी पे है उसको डेटा शीट व्यू में ओपन करके 5 रिकॉर्ड जो है आपने इंटर करनी है। इसी तरह नीचे आ जाएगा, कस्टमर का है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर सिटी है, कस्टमर स्टेट है, ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और कमांड आईडी, कस्टमर आईडी। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, 2 प्रोग्राम है, इन दोनों में से आपने एक करना है। फिर 2 प्रोग्राम है, दोनों में से एक करेंगे आप। वैवा वो प्रैक्टिकल कॉपी के 3 नंबर है। थैंक्स फॉर